जन विश्वास यात्रा के तहत पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव 24 फरवरी को नालंदा आएंगे। इस यात्रा का मकसद 17 साल बनाम 17 महीने के कार्यों को जनता के बीच रखना है। मंगलवार को इस यात्रा की तैयारी को लेकर बैठक की गई। इस्लामपुर विधायक राकेश रोशन ने कहा कि नालंदा हमेशा संघर्षों की धरती रही है। तेजस्वी यादव परिवर्तन का मशाल लेकर आगे बढ़ रहे हैं और इस परिवर्तन में नालंदा जिला भी शामिल होगा। इस दौरान उन्होंने बिहार सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2020 से 2024 तक की सरकार के सभी मंत्रियों के कार्यों की समीक्षा होनी चाहिए। सिर्फ राजद ही नहीं बल्कि जदयू के भी सभी मंत्रियों और सभी विभागों की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल 3 विभागों की समीक्षा क्यों कराई जा रही है। इससे पता चलता है कि कुछ लोग तेजस्वी यादव को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। सरकार जनता की आवाज को दबाना चाहती है और तेजस्वी यादव को जेल में बंद करना चाहती है, लेकिन जनता इस मंशा को सफल नहीं होने देगी। वहीं राजद के जिला प्रधान महासचिव सुनील यादव ने कहा, तेजस्वी यादव जी बिहार और देश के भाग्य विधाता हैं। नालंदा जिले के तमाम नौजवान, मजदूर और किसान पल के बिछाए बैठे हुए हैं अपने नेता के इंतजार में उनका दर्शन करने के लिए। राजद के युवा जिलाध्यक्ष मनोज यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने में जो काम किया है वह पिछले 17 साल में नहीं हुआ था, इसीलिए जनता से आशीर्वाद लेने के लिए नालंदा की पावन धरती पर आ रहे हैं। 24 तारीख को 2 बजे हमारे माननीय नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कार्यक्रम नालंदा की धरती पर हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तिकंगरसराय में श्री सुखदेव एकेडमी में आयोजित किया गया है। और नालंदा हमेशा संघर्षों की धरती रही है और हम लोगों ने बिहार को हमेशा संदेश देने का काम किया है। बताइए, बिहार के अंदर ये 17 महीने की सरकार चली और इस 17 महीने की सरकार में अभी जो मौजूदा सरकार है मात्र 3 विभागों का 3 मंत्रियों के विरुद्ध समीक्षा का एक चिट्ठी निकाले कि हम सिर्फ तेजस्वी यादव जी का, ललित यादव जी का और डॉक्टर रामानंद यादव जी के विभाग का जो काम हुआ है उसकी समीक्षा करेंगे। यदि सरकार में नैतिकता है, यदि सरकार ये चाहती है कि हम बिहार के अंदर हमने क्या किया है और आम जनता के बीच उसको पारदर्शी बनाना चाहती है, तो बिहार में 2020 में जो सरकार बनी और वो 2020 से लेकर के अभी 24 तक जो सरकार है, इसके तमाम मंत्रियों के कार्यों का समीक्षा होना चाहिए था, या 17 महीना का जो आप बता रहे हैं तो 17 महीना का कार्यकाल का भी समीक्षा होना चाहिए था सब मंत्रियों का, सब विभागों का, लेकिन सिर्फ 3 विभागों का ही क्यों? ये तो बताता है कि इन लोगों ने योजना बना करके हमारे नेता को षड्यंत्र के तहत जनता के बीच बदनाम करने की एक साजिश बना रही है। इन बिहार में जितने विभाग हैं सभी विभागों का 17 महीना का ही समीक्षा करा लीजिए ना। हमारे मंत्री का ही क्यों कराते हैं? आपके मंत्री ने क्या किया उसका भी समीक्षा होना चाहिए, तब ना दूध का दूध पानी का पानी चलेगा। इसलिए ये तो सरकार चाहती है कि जनता की आवाज़ को बंद किया जाए, लोकतंत्र की हत्या हो, संविधान का खात्मा हो, इसलिए तेजस्वी यादव को जेल के अंदर बंद करें। ये सरकार की मंशा है, लेकिन जनता इस मंशा को सफल होने नहीं देगी। 24 तारीख को नालंदा आएंगे, क्या कुछ मुद्दा है? और अभी वर्तमान सरकार के द्वारा 3 मंत्रियों के विभागों की समीक्षा की चिट्ठी निकाली गई है, क्या कहेंगे इन सब पर? नौटंकी कर रहे हैं मंत्री के समीक्षा में और क्या। अगर समीक्षा कराना है तो 2005 से आज तक जितने भी मंत्री हैं मंत्रिमंडल के सबका समीक्षा किया जाए बेहतरी रहेगा। इस बिंदु पर यही कहना रही बात कि हमारे नेताजी आ रहे हैं नालंदा जिला में, गया, जहानाबाद, नालंदा और उसके बाद नवादा, इन सारों जगह कार्यक्रम 24 का है। तू तो बिहार और देश का भाग विधाता है और भाग विधाता जो आ रहे हैं इनके अगुवाई में यहाँ के तमाम युवा, कामगार, नौजवान, मजदूर और किसान पलके बिछाए बैठे हुए हैं कि मेरा नेता है, हम उनका दर्शन करेंगे। 24 तारीख को तेजस्वी जी आ रहे हैं सर, युवा राजद के द्वारा क्या कुछ तैयारियाँ की जा रही हैं? देखिए, 24 तारीख के आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जनता के बीच, जनता की अदालत ने हमारे जिला नालंदा में के कंगरसराय में आ रहे हैं। उन्होंने जन विश्वास यात्रा के दौरान हमारे नालंदा में आ रहे हैं, हम लोग स्वागत के लिए खड़े हैं। और जन विश्वास यात्रा जो 17 महीना बनाम 17 साल की है, उन्होंने जो 17 महीना ने काम किए हैं इसके लिए जनता को विश्वास
दिलाने के लिए और जनता से आशीर्वाद लेने के लिए उन्होंने नालंदा की पावन धरती पर आ रहे हैं। और युवा राष्ट्रीय जनता दल बढ़ चढ़ करके सहयोग लेगा और सभा को सफल बनाने का काम करेगा।